أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم मैं अपने यूट्यूब चैनल पर चला उसे दोस्तों मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। मैं अपने तमाम जितने भी हैं मेरे यूट्यूब पर वीडियो देखने वाले सब दोस्तों को अपने चैनल पर वेलकम करता हूँ। और आज जो है एक कबूतरों को जो है ना डिबर्मिंग इनका करवाने लगे हैं जी। इनके पेट के जो कीड़े हैं उनके लिए इनको दवाई देनी है, तो उस दवाई का जो तरीकाकार है वो भी आप दोस्तों के साथ शेयर करते हैं जी। इससे पहले जितने भी नए दोस्त हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ बेल आइकॉन के बटन को क्लिक करें ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आप तक पहुंचता रहे। दोस्तों ब्रीडिंग करवाने से पहले पहले जितना भी है ना कबूतरों को तकरीबन 2 से 3 मरतबा जो है ना उनके पेट की सफाई करनी होती है। कीड़े जितने भी हैं छोटे हैं बड़े हैं गोल हैं 3-4 नस्ल के होते हैं वो सारे जो है ना ख़त्म हो जाते हैं इस दवाई से। तो ये 3 बार जो है ना इस्तेमाल करनी है। पहली बार जो है आज इस्तेमाल करनी है, दूसरा जो है एक दिन छोड़ के, तीसरा जो है एक हफ्ते के बाद। ये इनका मुकम्मल कोर्स है सीज़न के लिए ना 2-3 महीने तक। तो आपको दिखाते हैं कि कौन सी दवाई इस्तेमाल करते हैं। जेंटल वगैरह तो मैं नहीं इस्तेमाल करता जी, मैं जो है सिस्टम एक्स इस्तेमाल करता हूँ। तो आपको दिखाते हैं दाने पानी के बाद जो है इस्तेमाल करनी चाहिए। और इससे पहले सुबह जो है ना नाश्ता इनका घी वाली रोटी जो है वो भी इनको खिलानी लाजमी होती है। 3-4 दिन जो है फिर जाल से बाहर भी नहीं निकालने होते। तो आइए आपको दिखाते हैं जी। ये है जी सिस्टम एक्स, ये जानवरों के लिए जो है ना इस्तेमाल की जाती है। इसके अलावा जो है ना मैं तो जो है यही इस्तेमाल करता रहा हूँ। ये 1.5 लीटर पानी में जो है 4 cc डालनी है। कोरस इसकी तो जो है मुकम्मल तभी होता है इसकी 3 खुराकें जो है ना कबूतरों को मिल जाएं। ज़्यादा से ज़्यादा 4 cc और इससे कम जो है 3 cc जो है इस्तेमाल कर सकते हैं। ऑक्स ऑफ एक्स है उसका भी जो है ना अच्छा रिजल्ट है, लेकिन उसके कबूतरों को जो है ना देने का तरीका कार वो अलग होता है। वो हर कबूतर को जो है 1 cc जो है ना देनी होती है। अब इसमें पानी डालते हैं जी। जी दोस्तों इन परिंदों को जो है ना इस्तेमाल करा दिया जी, सारे ने जो है ना पानी पी लिया। मज़ीद अब जो है वीडियो ख़त्म करते हैं जी। अल्लाह हाफिज़।